डरने लगेगा तुम तो। हम पुलिस होंगे, इतने बहादुर होंगे, हमें कैसे डर। इन पीसेस से अभी भी धुआं निकल रहा है। ये शेल्स हैं जो कल रात की फायरिंग में यहाँ गिराए गए थे, यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये लाइव नहीं है, ये टूट गया है, लेकिन अभी भी इसमें से ये धुआं निकल रहा है। मतलब यहाँ पे ये जांच करने की ज़रूरत है कि ये किस तरह का केमिकल इनमें लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे शेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं इस घर के आसपास। पुलिस इनको इकट्ठा कर रही है ताकि ये जाँच की जा सके कि ये कितने खतरनाक हैं। मेरी वाइफ भी कहीं कुएं पर पानी भरने हुई गई थी, तो वहां अचानक आकर जब छल गिरा तो ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। ये जो सिलसिला है कई सालों से चल रहा है, आपने देखा होगा कि इतनी एजुकेशन ना होने का कारण मजबूरी से हमारे लोगों के बच्चों को कहीं आर्मी में कहीं जाना पड़ता है। उसके पास नहीं जाना किसने भी, तो उसमें वो कुछ गैस वगैरह निकल रही है। बच्चे बच्चे खास करके उतना जाए। वी आर लिविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फियर, कांस्टेंट फियर ऑफ पाकिस्तान शेलिंग। तो ये बच्चे हैं जो जब ऐसे हालात में एग्जाम की कोई तैयारी नहीं कर सकते, तो आप तवक्को रख सकते हो कि ये बच्चे दिल्ली और मुंबई के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों के साथ कल कंपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बंकर भी हिल चुका था, तो सभी रोने लगे थे, बच्चे भी बड़े भी घबरा गए थे। हमारे चारों तरफ शेलिंग हो रही थी, हम बाहर निकल नहीं सकते थे, और हमारे पशु भी हैं, इनको कहाँ ले जाएं। बच्चे जब छोटे छोटे खाना भी मांगते हैं, दूध भी मांगते हैं। तो 15 लोगों तो बड़ी होगी। 15-20 लोग आते हैं इधर वाले। उस समय जब फायरिंग आती है तो दूध तो नहीं यहाँ पर।